नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यानी कि SBI के बारे में बात करेंगे इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट चार गुना हो गया है हाँ दोस्तों चार गुना प्रॉफिट आया है भारी देखने को ऊपर क्लोज हुआ है तो क्या ये सही समय है इसमें बाइंग करने का या फिर वेट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तो चलिए बात करते हैं एसबीआई के बारे में

तो चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं स्टैंड ऑलऑन बेसिस पे अगर आप देखें इसके इंटरेस्ट ऑन की तो आप देख सकते हैं कि 62,681 करोड़ का इंटरेस्ट इसने कमाया है जो कि वायो वाई बेसिस पे 62,985 करोड़ था यानी कि वाई वाई बेसिस पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि एक क्वार्टर पहले इनकम थी सिक्सटी करोड़ अगर बात करें इसके अदर इनकम के बारे में तो आप देख सकते हैं कि वहां अच्छी खासी जंप देखने को मिली है इस क्वार्टर में जो अदर इनकम देखने को मिला है वो थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स करोड़ का जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फाइव करोड़ था अगर हम पिछले साल की बात करें तो ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी फाइव करोड था तो हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है अदर इनकम में वाईओ वाई, वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जो इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री करोड़ जो कि था पिछले क्वार्टर में 18,222 करोड़ अगर बात करें पिछले साल के बारे में तो सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिखाई दिया था तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है चाहे वो वायो वाय बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब एक और बात के बारे में जानेंगे कि एनपीएस की स्थिति कैसी बनी हुई है क्योंकि बैंक्स में एनपीएस के रेशियो को जानना भी बहुत जरूरी होता है तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीएस है वो आया है सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट पे और अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो 6.94% थे पिछले साल 7.53% तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है ग्रॉस एनपीएज में जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है अगर नेट एनपीएज के बारे में बात करें तो 2.23% आया है जो कि था 2.65% पिछले क्वार्टर में अगर पिछले साल के बारे में बात करें तो 3.01% है तो ओवरऑल हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस दोनों में जो कि बहुत ही अच्छी बात है अब एक एक्सेप्शनल आइटम आपको दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट में अच्छा खासा जम देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में हमें वाओवाई बेसिस पे इतना बड़ा जंप क्यों देखने को मिला है उसका रीजन जो है ये ये है नेट प्रॉफिट ऑफ टू थाउजेंड थर्टी वन पॉइंट थ्री फोर करोड़ ऑन सेल ऑफ सर्टन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैंक सब्सक्रिडरी एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो आपको पता ही होगा कि एस बी आई कार्ड्स का जो आई पी ओ आया था वो हाल ही में आया था इसी क्वार्टर में आया था तो उसके सेल से जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो है टू थाउजेंड थर्टी वन करोड का तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का इस सेल की वजह से आया है और यह सिर्फ एक वन टाइम गेन है यानी कि हर क्वार्टर में ऐसा कोई प्रॉफिट हमें हमें देखने को नहीं मिलेगा इसलिए फोकस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ना कि इसके वन टाइम गेन पर तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट आए हैं उसमें मेन हिस्सा में स्टेक बेचने के कारण था बाकी ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आए हैं एनपीएस जो कम हुए हैं वो बहुत ही अच्छी बात है इसलिए हमें शेयर मार्केट में भी देखने को मिला कि स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब देखते हैं कि चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट बनी हुई है

जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपने टू, के के को ये के तौर पर ले रहा था और पहुंच चुका है तो अब मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर्स दिखाऊंगा तो जो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर दिखाई देता है वो सिक्सटी पॉइंट सिक्स टू काफी समय पहले ये ओवरसोल्ड हो चुका था उसके बाद अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है अगर बात करें इसके आर एस आई के बारे में तो आप देख सकते हैं कि आर का जो नंबर दिखाई देता है वो सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव सेवन का ये भी काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है और ऐसा लग रहा है कि आगे थोड़ी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है अगर बात करें एम के बारे में तो एम ने भी हमें बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है और इसमें तेज़ी बरकरार है अब बात करेंगे इसके बॉलिजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास इसने सपोर्ट लिया उसके बाद अच्छी तेजी बनी हुई है और आज इसने अपने अपर बैंड के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिए वो भी थोड़ी सी नहीं अच्छे खासे मार्जिन से अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिए तो आप देख सकते हैं अपर बैंड का जो लेवल है वो वन एटी के आसपास और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वन नाइन्टी के वन नाइन्टी के, रुप, के आसपास के लेवल पर तो आप देखेंगे इसके पिवट पॉइंट्स में हमें कैसा सपोर्ट कैसा रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो आप देख सकते हैं जो पिवट लेवल है वो इस वन का जिसके ऊपर ये कब का निकल चुका है अगर रेजिस्टेंस की

आप तो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इसमें हमें कुछ ज्यादा पैसे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है काफी सालों से ये 150 से 350 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है ना ज्यादा नीचे जाता है ना ज्यादा ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं कि 150 के लेवल के आसपास इसने अच्छी खासी बार इसने सपोर्ट लिया है इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 150 पर हमें कुछ ज़्यादा खोने के लिए बचा नहीं है स्ट्रांग सपोर्ट है पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से ये इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो भी आधा हो गया था यानी कि बुक वैल्यू से आधे पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो अगर आपने वन पर बाइंग की है तो अच्छी बात है तो अब देखते हैं पोजिशन में हमें क्या करना चाहिए अगर आपने पहले से पोजीशन ली है अगर आप अभी लॉस में चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर पोजीशन ली है तो मेरा मानना है इसे आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो स्टॉक अच्छा है वैसे भी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है और 150 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है इसलिए मेरा मानना है आप इसे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और अगर बात करें इसमें आपने पहले से पोजिशन बनाई हुई है वन के आसपास या वन के आसपास अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी के बड़ी बैंक है लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लिया है तो आप इसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं अब फ्रेश पोजिशन के बारे में बात करें तो मेरा मानना था कि वन का लेवल अच्छा सपोर्ट था इसलिए मैंने वहां पर फ्रेश बाइंग की थी इसलिए मैं करंट मार्केट प्राइस पर तो फ्रेश बाइंग नहीं करने वाला लेकिन अगर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है क्योंकि 350 का स्टॉक है 190 नाइनटी पे मिल रहा है तो आप इसमें करंट मार्केट प्राइस पे भी बना सकते हैं अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए नीचे आ सकता है स्टॉक ऐसा नहीं है कि अभी रॉकेट की तरह ऊपर ही जाएगा अगर आप वेट करना चाहते हैं हैं, तो वापस आपको ये 165 या 175 के आसपास मिल सकता है तो वहां पर भी पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ओवरऑल 150 का सपोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है चार्ट इसलिए मेरा मानना है कि जो ये रेंज है 150 से 170 वहाँ पर हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू स्टे हैप्पी हैप्पी इन्वेस्टिंग